नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल यूके 24 न्यूज में स्वागत है। दो कारों के बीच जबरदस्त भिड़ंत, यहां हुआ हादसा। कोतवाली डोईवाला क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में 6 लोग घायल हुए हैं। सूचना है कि थानो रोड पर दो पहिया वाहनों की टक्कर हो गई है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची तो देखा कि दो होंडा अमेज गाड़ी HR35Q3344 और UK07DU9057 आपस में टकरा गई, जिसमें 6 लोग घायल हुए। घायलों को SWAT के माध्यम से अस्पताल भिजवाया गया। तिरती केदार भगवान तुंगनाथ की डोली शीतकालीन गद्दे स्थल मक्कू मठ से हुई रवाना। उत्तराखंड के पंच केदारों में से तिरती केदार तुंगनाथ है। इस बार भगवान तुंगनाथ के कपाट 6 मई को खोले जा रहे हैं। तुंगनाथ मंदिर के कपाट खोलने की प्रक्रिया भी विधिवत शुरू हो गई है। आज भगवान तुंगनाथ की शीतकालीन गद्दे स्थल तुंगनाथ मंदिर मक्कू मठ में विधिवत पूजा के बाद भगवान तुंगनाथ की डोली ने धाम के लिए प्रस्थान किया। उत्तराखंड में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद उल फितर, मांगे अमन चैन की दुआ। उत्तराखंड के गई ईदगाह में 2 साल बाद सामूहिक रूप से ईद उल फितर की नमाज अदा की गई। इस मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी। लोगों ने देशभर की अमन चैन की दुआ मांगी। उत्तराखंड से बड़ी खबर, यमकेश्वर पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपने गृह ब्लॉक यमकेश्वर पहुंच गए हैं। सीएम योगी 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड आए हैं। सीएम धामी ने वहां पहुंचकर मंदिर में पूजा की। उसके बाद अपने गुरु ब्रह्मलीन महंगत अवैधनाथ की मूर्ति का अनावरण करेंगे। सीएम योगी के स्वागत के लिए जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, वहीं पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और धन सिंह रावत समेत कई बड़े नेता और पदाधिकारी भी सीएम योगी आदित्यनाथ के स्वागत के लिए मौजूद हैं। अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का सीएम योगी ने किया अनावरण। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर आज उत्तराखंड पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ का यह पहला उत्तराखंड दौरा है। पौड़ी जिले के यमकेश्वर ब्लॉक के अंतर्गत बिथ्याणी में अपने अपने गुरु महंत अवैधनाथ की प्रतिमा का अनावरण किया। इस दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज, धन सिंह रावत, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह, तीरथ सिंह रावत भी आदि उपस्थित रहे। मंगलवार को योगी आदित्यनाथ देहरादून के जौलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एयरपोर्ट पर स्वागत किया। चार धाम यात्रा का शुभारंभ, श्रद्धालुओं के लिए खुले यमुनोत्री धाम के कपाट। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट मंगलवार को अक्षय तृतीया के दिन वैदिक मंत्रोच्चारण के पूजा अर्चना के साथ श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खोल दिए गए। गंगोत्री धाम के कपाट 11:15 पर और यमुनोत्री के कपाट ठीक दोपहर 12:15 देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले गए। वहीं मंगलवार को दोनों धामों के कपाट खुलने के बाद चार धाम यात्रा का भी विधिवत शुभारंभ हो गया है। केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई और बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई को खुलेंगे। देर रात को गहरी खाई में गिरा बारात का वाहन, 2 लोगों की मौत। उत्तरकाशी जिले के बौन पंजावाला गांव में देर रात को दर्दनाक हादसा हो गया। इसमें 2 लोगों की जान चली गई। हादसा बीती रात उत्तरकाशी के बौन पंजावाला मोटर मार्ग पर हुआ। सभी लोग शादी में शामिल होकर वापस लौट रहे थे। इस हादसे में अरविंद रावत पुत्र ज्ञानेंद्र रावत व राजवीर बिष्ट पुत्र जयवीर बिष्ट निवासी बौन की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि राजा राम बिष्ट व जितेंद्र सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को SWAT की मदद से जिला चिकित्सालय उत्तरकाशी में भर्ती किया गया। पुलिस के मुताबिक घटना देर रात हुई। रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। परिवार के साथ मसूरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, पत्नी के साथ माल रोड पर की चहलकदमी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल अपने परिवार के निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे हैं। देर शाम पीयूष गोयल पत्नी के साथ माल रोड में चहलकदमी करते हुए नजर आए। रामनगर में ढेला नदी में डूबने से युवक की मौत। रामनगर ढेला नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। युवक का पैर फिसलने से यह हादसा हुआ। वहीं पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंपा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। हल्द्वानी हिंसा पर भड़के स्वामी आनंद स्वरूप, सत्यापन अभियान पर भी उठाए सवाल। शाम्भवी धाम के पीठाधीश्वर और काली सेना के संस्थापक आनंद स्वरूप ने हल्द्वानी में बजरंग दल कार्यकर्ताओं पर हुए पथराव को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से आने वाले रोहिंग्या मुसलमान देश में अशांति फैलाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से उपद्रवियों की जल्दी गिरफ्तारी की मांग की है। सीएम धामी ने पत्नी संग के गंगोत्री धाम के दर्शन, माँ गंगा का लिया आशीर्वाद। उत्तराखंड में विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा शुरू हो गई है। अक्षय तृतीया पर आज गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार के साथ खोल दिए गए। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी साक्षी बने। सीएम धामी ने पत्नी गीता धामी संग मां गंगा के दर्शन किए और मंदिर में पूजा अर्चना की, साथ ही प्रदेश के सुख शांति और समृद्धि की कामना की। बता दें कि आज सबसे पहले गंगोत्री धाम के कपाट खुले, इससे 1 घंटे के बाद यमुनोत्री धाम के कपाट भी श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ के लिए खुल गए हैं। पर्यावरण बचाने का मॉडल, गढ़वाल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों के मॉडल ने किया कमाल। हिमालय में ब्लैक कार्बन उत्सर्जन को इतना कम किया।
जंगलों की आग ने पहाड़ की हवा को दूषित कर दिया है। वनाग्नि की घटनाओं के बाद यहाँ ब्लैक कार्बन की मात्रा में 12 से 13 गुना वृद्धि हुई है। लेकिन इसी बीच गढ़वाल विश्वविद्यालय के एक वैज्ञानिक के मॉडल ने साबित कर दिया कि एग्रो फॉरेस्ट और इको रेस्टोरेशन मॉडल ब्लैक कार्बन के उत्सर्जन को कई गुना कम कर रहे हैं। पौड़ी, पाबो में 100 मीटर गहरी खाई में गिरा वाहन, 5 लोग घायल। श्रीनगर के पास पाबो थाना क्षेत्र में एक कार गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के वक्त कार में 5 लोग सवार थे। पुलिस ने सभी को खाई से बाहर निकालकर पाबो के सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां 3 का उपचार चल रहा है और 2 को हायर सेंटर रौपौड़ी रेफर कर दिया गया है। वर्ल्ड अस्थमा डे, भारत में विश्व के 13% मरीज, जाने लक्षण और बचाव। आज विश्व अस्थमा दिवस मनाया जा रहा है। इसे मनाने का उद्देश्य मरीजों तक अस्थमा से जुड़ी सही जानकारी पहुंचाने और पर बीमारी के प्रति उन्हें जागरूक करना है। इस साल वर्ल्ड अस्थमा डे की थीम क्लोजिंग द गैप ऑफ अस्थमा केयर रखी गई है। उत्तराखंड पुलिस के बेड़े में शामिल होंगी 100 बाइक और 22 बोलेरो, पुलिस गश्त को मिलेगी मजबूती। उत्तराखंड पुलिस को जल्द 100 नई बाइकें और 22 बोलेरो गाड़ियां मिलने जा रही है। ये गाड़ियां विभाग की पुरानी हो चुकी जर्जर गाड़ियों के रूप में रिप्लेस की जाएगी। इन गाड़ियों के मिलने के बाद उत्तराखंड पुलिस को गश्त में मदद मिलेगी। कोटद्वार, शख्स का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। लैंसडाउन वन प्रभाग में पड़ने वाली खो नदी में मंगलवार को एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई थी। मृतक की शिनाख्त अनिल भंडारी पुत्र इंद्रमोहन भंडारी निवासी सिमलचौड़ के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पीएम रिपोर्ट के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल पाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिली ऋतु खंडूड़ी, दिया चारधाम यात्रा में आने का निमंत्रण। दिल्ली में उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास और योजनाओं को लेकर राजनाथ सिंह से चर्चा की। चारधाम यात्रा में परिवहन किराए बढ़ने पर संशय, शासन में लंबित मामला। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले परिवहन सेवाओं में से जुड़े संगठनों में बढ़ते तेल की कीमतों सहित वाहनों के पार्ट्स की महंगाई को लेकर परिवहन विभाग के उच्च अधिकारियों से गुहार लगाई थी कि चारधाम यात्रा में वाहनों के किराए बढ़ाया जाए। टैक्सी मैक्सी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर सिंह पवार ने बताया कि अभी भी परिवहन प्राधिकरण के 2020 में निर्धारित रेट पर ही चारधाम यात्रा में बसों और टैक्सियों का किराया लिया जा रहा है। हारे हुए सीएम को फिर से हराएंगे, चंपावत उपचुनाव पर करण महरा ने भरी हुंकार। इन दिनों कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा राज्य भ्रमण पर निकले हुए हैं। इस कड़ी में आज वो पौड़ी जिला मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं इस मौके पर चंपावत उपचुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस हारे हुए सीएम धामी को एक बार फिर से चुनाव में हराएगी। बढ़ती गर्मी को लेकर केंद्र ने सभी राज्यों को जारी की एडवाइजरी, स्वास्थ्य महकमा बना लापरवाह। लगातार बढ़ रहे तापमान का सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, हमारी जरा सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। इसको लेकर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी चिंतित नजर आ रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सभी राज्यों को एडवाइजरी भी जारी की है। उत्तराखंड पुलिस की खास पहल, छवि सुधारने के लिए कर रही ये काम। उत्तराखंड पुलिस अपनी छवि सुधारने के लगातार प्रयास कर रही है। पुलिस आधुनिकीकरण विंग के अंतर्गत राज्य के सभी 160 थानों के बाउंड्री वॉल पर ऐसी पेंटिंग बनाई जाएगी जो जनता को संदेश दे, जिससे जनता में पुलिस की नकारात्मक छवि में सकारात्मक सुधार आ सके। पूर्व बीजेपी विधायक प्रणव चैंपियन की अमर्यादित टिप्पणी, खानपुर MLA उमेश कुमार को बताया रेपिस्ट। खानपुर के पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। मसूरी में कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के कार्यों की जमकर तारीफ की, लेकिन जब बात खानपुर विधानसभा क्षेत्र की आई तो वो वर्तमान विधायक उमेश कुमार शर्मा पर हमलावर हो गए और उन्हें रेपिस्ट बता दिया। अल्मोड़ा में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। जिले के लमगड़ा थाना क्षेत्र में एक युवक की संदिग्ध हालत में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मृतक की परिजनों ने स्थानीय एक व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। देहरादून में नियम ताक पर रखकर सड़कों पर दौड़ रहे स्कूली वाहन, खतरे में नैनीहालों की जान। पब्लिक स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों पर अभिभावक प्रतिमा हजारों रुपए खर्च कर रहे हैं। वहीं नियमों को ताक पर रखकर सड़कों पर दौड़ रहे स्कूली वाहनों में बच्चों की सुरक्षा दांव पर है, इनसे कभी भी दुर्घटना हो सकती है। बाबा केदार की डोली का विभिन्न पड़ाव पर भव्य स्वागत, भक्तों में देखी जा रही खुशी। बाबा केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली गुप्तकाशी सिद्धांत मंदिर में रात्रि प्रवास के बाद अपने अगले पड़ाव फाटा के लिए प्रस्थान कर चुकी है। भगवान केदारनाथ 6 मार्च तक के लिए अपने शीतकालीन प्रवास ओंकारेश्वर मंदिर में रहते हैं और ग्रीष्मकालीन में शंकर भगवान केदारनाथ में विराजते हैं। इस बार 6 मई को बाबा केदार के कपाट खुलने जा रहे हैं, जिसको लेकर भक्तों में भारी उत्साह बना हुआ है। देहरादून में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी भीषण आग, सारा सामान जलकर हुआ राख। देहरादून जिले के डालनवाला कोतवाली क्षेत्र में मंगलवार सुबह को एक घर में अचानक आग लग गई थी। जिस समय घर में आग लगी उस दौरान घर से सभी लोग गुरुद्वारे गए हुए थे। इस अग्निकांड में घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दुग्ध उत्पादकों का सरकार पर 25 करोड़ का बकाया, एक साल से नहीं मिली प्रोत्साहन राशि। उत्तराखंड डेयरी फाउंडेशन से जुड़े प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को सरकार से पिछले एक साल से प्रोत्साहन राशि नहीं मिली है। वहीं SSP ST दुग्ध उत्पादों का वित्तीय वर्ष
2021-2022 तक भुगतान हो चुका है, लेकिन सामान्य वर्ग के दुग्ध उत्पादकों का भुगतान बकाया है। ईद मुबारक। रुड़की ईदगाह में सामूहिक रूप से अदा की गई ईद उल फित्र की नमाज। रुड़की ईदगाह में 2 साल बाद सामूहिक रूप से ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। इस मौके पर शहर काजी मुफ्ती सलीम ने सभी अकीदतमंदों को ईद की मुबारक दी। पौड़ी। सैनिक परिवार की जमीन पर भूमाफिया की नजर, परिवार ने डीएम से लगाई गुहार। श्रीनगर में सैनिक अमित रावत की पैतृक जमीन को भूमाफिया द्वारा हत्याने का मामला सामने आया है। विरोध करने पर सैनिक परिवार के साथ मारपीट भी की गई। पीड़ित परिवार ने डीएम दरबार में मदद की गुहार लगाई है। मामले में जिलाधिकारी ने एसडीएम और थानाध्यक्ष को निर्देशित किया है। लाखों की खैर की लकड़ी, तस्कर भागने में कामयाब। तराई केंद्रीय वन प्रभाग की टाणा रेंज की टीम ने अवैध खैर की लकड़ी को पकड़ा। वन विभाग की इस कार्रवाई के दौरान हालांकि वन तस्कर भागने में कामयाब रहे, टीम ने वन तस्करों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर पिकअप वाहन को सीज किया है। मंत्री रेखा आर्य ने खुद को बच्चों की बुआ तो मुख्यमंत्री को बताया मामा, वात्सल्य योजना की तिथि बढ़ाई। महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्य ने प्रदेश के बच्चों को उनकी बुआ और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मामा बताया। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने सोशल साइट पर साझा जानकारी में बताया कि वात्सल्य योजना की तिथि 31 मई 2022 तक बढ़ा दी गई है। अचानक तालाब बनी ईदगाह, इंटर कॉलेज में हुई नमाज, हादसा या कोरोना काल के 2 साल बाद ईद उल फितर की नमाज ईदगाहों में अदा की गई, लेकिन मंगलौर में ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ इस बार भी नमाजियों को ईद की नमाज ईदगाह में नहीं बल्कि कस्बे के इंटर कॉलेज में अदा करनी पड़ी। लोगों ने सौहार्दपूर्ण माहौल का परिचय देते हुए शांतिपूर्वक नमाज अदा की और अपने अपने घरों को लौट गए। दरअसल ईदगाह के करीब एक रजबाहा है जिसका बना टूटने से ईदगाह में पानी भर गया। ये हादसा था या किसी की शरारत, ये तो जांच का विषय है, लेकिन ईदगाह में पानी भरने के कारण प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। सूचना पर अधिकारी, पुलिस और प्रशासन के लोग मौके पर पहुंचे और ईदगाह में भरे पानी को निकालने का काम किया, लेकिन सुबह तक भी ईदगाह से पूरी तरीके से पानी नहीं निकल सका। इसके बाद कस्बे के लोगों ने नेहरू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज में ईद की नमाज अदा की। जल्दी लागू होगी नई शिक्षा नीति, मंत्री ने दिए पाठ्यक्रम तैयार करने के निर्देश। राज्य में आगामी जुलाई माह में नई शिक्षा नीति को लागू करने से पूर्व सभी तैयारी को पूरा करने के निर्देश विभागीय अधिकारी को दे दिए गए हैं। प्रदेश में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क की तर्ज पर स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूलों के लिए नए पाठ्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेगा। प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा, कौशल विकास सहित राज्य के आदर्शों को शामिल करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। लड़की के चक्कर में पंजाब से बुलाए बदमाश, फिर दोस्त का किया कत्ल, 4 आरोपी गिरफ्तार। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा में सोमवार को जिस युवक का शव मिला था उसकी हत्या उसी के दोस्त ने की थी। इस काम में पंजाब के 2 बदमाशों ने उसका साथ दिया। हत्या के पीछे की वजह लड़की के चक्कर बताया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में मुख्य आरोपी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पहली दफा मुनाफे में सहकारिता बैंक, मार्च तक 161 करोड़ का लाभ। पिछले कई सालों से घाटे में चल रहे सहकारिता विभाग इस साल पहली बार मुनाफे में है। सहकारिता बैंक लगातार मुनाफे में है। वित्तीय वर्ष मार्च 2022 तक सहकारिता को 161 करोड़ का लाभ हुआ है। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।